थैंक यू। हम बैटिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं, बॉलिंग कर रहे हैं। जल्दी जल्दी। गुड मॉर्निंग बेबी। खड़े गए इस तरफ से। चला तो ऐसे अपने टाइम पास करने हैं। तुझे क्या लगता है? मुझे आज लिखते भी नहीं है लोग। पूरा दिन ना आना। ओ वहाँ झाड़ के पीछे। झाड़ के पीछे। अरे मेरे रहते ये झाड़ ही है ना इतना बड़ा। हाँ तेरे साइज के हिसाब से पक्का। बट ये पर्टिकुलर स्पेस में गार्डनिंग करने की जरूरत नहीं है ना, व्यूअर्स देखे नहीं है। उधर बीच में स्पेस है यार, एक्चुअली जनरली लोग वहीं बैठते हैं, यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, सारे वहीं बैठे हैं। बंदे का बैग कौन सा? वो नहीं, मुझे पता है, उसमें कुछ तो नहीं लग रहा है। वो वाला ब्लैक बैग देखा अक्षय के बैग में? जिधर ग्लूकॉन डी के बाजू वाला ब्लैक बैग। मैं कहा ना ग्लूकॉन डी के, मैंने देखा कि ग्लूकॉन डी के बस ब्लू ब्लू इमेज थी मेरे दिमाग। तेरा तो काम बन गया भाई, टू सेट। और भी है बना लेंगे। कल मेरी बड़ी इच्छा थी सुनने की, मेरे मुंह का बैंड बन गया। मम्मी लगी थी उससे कम करवाने में, हम उसमें भूल गए और वो जो ले गया ना अंदर नीचे, क्योंकि उसको तो सब फिनिशिंग पॉलिशिंग करनी है। मिलेगा तो कुछ तो कब होगा। सिस्टर दिल्ली में रहती है, वो जो बाइकर आ रहे हैं शादी के लिए तो वो लेते हैं। अच्छा तुमने दिल्ली से लिया? हाँ चांदनी चौक। बट वो बहुत मतलब यू हैव टू डिसाइड अ बजट, नहीं तो हम देखते चले जाए ना बैठ तो हम तो बस हमें तो एक 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 दो दो लाख पसंद आ जाएगा। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
ये तो जबरदस्ती उनसे दिलवाई देगी उसको, ये बात समझ आ गई। शाम से शुरू होता है, आप 6 बजे तैयार मेरी भाभी ने भी वैसे ही किया था, आई थी मेरी रेड साड़ी उनकी तरफ से फेरों के लिए, हालत ही नहीं थी यार, इतना बड़ा लहंगा चेंज करने का मतलब कोई लॉजिक ही नहीं था, कर नहीं सकते उसको चेंज, इतना ज़्यादा बिल्डअप था वो, और आधे घंटे का टाइम होता है लॉन्ग इसमें पूरा हुआ दिल्ली में थी, आई वांटेड अ चेंज इन दिल्ली, देन आई वाज गेटिंग कॉल्स फॉर हैदराबाद, नाउ आई एम इन हैदराबाद एंड गेटिंग कॉल्स फॉर दिल्ली, एंड यही होता है यार, लोग क्या बड़ा बुरा हाल है यार, मेरे को भी गुड़गांव से ना आ रही है, गुड़गांव 40% हाइक देने को, मैं ऐसे इन जनरल जो कॉल आ रहा है सब दे रही हूं, सब उस तरफ से कैसे प्लान कर रहे हो, मैं आ जाऊंगी इधर फिर वो आ जाएगा, लेकिन दोनों को 1 साल होने, मुझे फेब में 1 साल होगा, आदि को जाना, अच्छा अभी कुछ बता नहीं सकते, उसके बाद whoever gets the best opportunity should move, करेक्ट, मुझे पुणे छोड़ने का थोड़ा सा भी मन नहीं था, वो मेरा भी मन नहीं है उससे, जब छोड़ना नहीं है तो बिकॉज़ यू हैव टू कम टू पुणे लीविंग एन ऑर्गेनाइजेशन, अगर छोड़ो यार फिर आई विल ओनली वाटर प्रॉब्लम, फॉर्चुनेटली तो अंदर तो मार्केट में वो ही ना
मतलब एटलीस्ट मुझे लास्ट ट्रिप से लग रहा है खाता ही मतलब खाता तो है नॉर्मल पर ब्रेकफास्ट नहीं करता वो मैं थकी हूं बोल रही हूं क्या सुबह उठ के आई कांट डू माय ब्रेकफास्ट हां मैं खाएगा ही नहीं ब्रेकफास्ट कैच ओ शिट भाई मुझे दिख क्यों नहीं रहा कैच झाड़ी मैंने इसलिए जगह बदली वहां से मुझे कुछ नहीं दिख रहा था आपके बीच में झाड़ी है मेरे बीच में आपको चल हट तेरे बीच से हट रही तेरा रास्ता क्लियर एक काम करना एक चेयर के ऊपर एक और चेयर रख नहीं सच में क्योंकि ये ऊंची हो जाएगी ना हम लोग से तो दिख नहीं मैंने कैच छोड़ दिया बस आज तक प्रिया को बताएंगे हम कौन था ये अजीब सा मौसम हो रहा है ह्यूमिड ह्यूमिड हाँ बहुत हल्की सी बारिश हो रही है चार पांच दिन से गर्मी इतनी ज्यादा थी और बारिश ठीक से हुई नहीं धूप नहीं अच्छा है इनको थोड़ा सा मेरा ऐसा हुआ पुणे तो 23 चल रहा है और मैं दिल्ली जा रही हूँ 37 पुणे 23 चल रहा है पुणे इतना अच्छा वेदर होगा मेरे वहाँ के फ्रेंड्स मुझसे चिल्ला रहे हैं यार एक्सटेंडेड वीकेंड में तो भाग जाती घूमने नहीं जा पाते बट है मतलब यू कैन प्लान एनी टाइम ऐसा चल रहा है पूरे में सब जून जुलाई के बाद ऐसे ही मौसम चलता है नेक्स्ट ईयर वो सेम सेम खेल रहा है वो बंदा एक ही प्लेस पे हिट कर रहा है बस कोई बात नहीं एक फोटो बनता है कौन सी टीम है ये कॉलेज की तो खेलते हैं वापस साल में एक बार जाते हैं खेलने आपस में लड़ते हैं यही दोनों लड़ रहे हैं तुमसे यही दोनों खेल रहे हैं
बॉलिंग कौन कर रहा है? गलत कर रहे हैं, कितने विकेट चले, मैं बॉलिंग ही नहीं दूंगा बुरहाल में। विकेट कीपर में सारे आउट मांगते हैं, वैलिड हो या ना हो, इन जनरल क्रिकेट में, इन जनरल काम ही उसका, काम ही है वो, उसका केआर ही डिफेंड है। हाँ, उसके अपील पे काफी डिपेंड करता है ना। स्ट्रेट लाइन में रहता है ना एबीडब्ल्यू के लिए। वो खाके तक थक गया तो उसने फाइनली पास कर दिया, हो गया अब मेरा, क्या बोले, हो गया क्या चाहिए, क्या बात कर रही है, बचाओ उसका, मुझे लगा तू थक गया खाके फिर तूने पास कर दिया फाइनली। यार देख उसको कुछ मिले ना, उसको सुबह चिप्स चबा जाऊं, क्या होगा तो है भाई, 850 अकेले चला के लेके आए हैं। कहाँ का जाते तो 200 मैंने चलाए थे, तुम्हें थोड़ी पीस आते पूरा इन्होंने चलाया, मैंने सिर्फ 30-40 ही चलाया था, 800 इन्होंने चलाया। हम लोग निकले भी अजीब टाइम पे, 2 बजे के आसपास निकले थे वहाँ से। हाँ, चेन्नई में ट्रैफिक मिल गया तो इन्होंने ले ली गाड़ी, रामाराम क्रॉस करने में बहुत टाइम लग गया, फिर शाम ढलने के बाद विजिबिलिटी का प्रॉब्लम हो जाता है, तो फिर इन्होंने कहा क्योंकि एनएच पूरा कंस्ट्रक्शन में था, डाइवर्जेंस बहुत थे और ट्रक्स तो गंदे चलाते हैं, तो फिर उन्होंने कहा नहीं तुम रहने तो मैं ही चलाऊंगा। मैं सुट्टा आपके पास ही बैठा ना वाली। हम्म, चलो तो ऑब्वियसली मैं पूछ तो रहा हूं, सिर्फ मैंने सिगरेट बनाई होगी काम या लाइटर का क्या कर रहे हैं, सिगरेट किस मर्जी से लेने लगे थे हेलो बाहर था वो आउट होता था तब कौन आ रही है अभी तक बॉलिंग पे, बाद में 10 के बाद ही कौन सी कंपनी शुरू में 10 ओवर ये लोग दोनों करा दें ऐसी आदत खत्म हो जाए। हां जी हां जी हां जी बताइए, आउट हो गया भाई पिकअप चले गया, मैंने पिकअप देखा नहीं है अभी तक, सब इतने बाहर होके आ गए, कैसा है नॉर्मल, मैं तो मतलब इतनी बार होके आ चुकी हूँ कि क्या ही तो दूसरा घर हो गया होगा। क्या है वो खाना खाते है कैसे हमारे कॉलेज के बाहर ढाबा तो
कॉलेज वाली फील आ जाती है। आजकल रात को उन्होंने भागना शुरू कर दिया कि उन्होंने गब्बर पल्लवी कहाँ पल्लवी तो भागी गई, शादी हो रही है उसकी। हाँ। ये तो टाइम है उसका, फीलिंग क्यों रहता है लोग इस टाइम। मेरी सारी डाइट की धंधों बन गई थी मेरे घर वालों ने। हाँ एक हफ्ते में वो हल्दी लगते बिठा देते हैं घर पे, खिलाओ। और हल्दी में तो मतलब कच्चा खाना हमारे यहाँ खाते नहीं, रोटी दाल सब्जी नहीं खाएंगे, मतलब रोटी नॉर्मल खाना नहीं खाते, आपको प्रॉपर वो पकवान खाना पड़ता है। मतलब इस टाइम लड़की ऐसी हो जाती है सिर्फ पकवान खाने, पूरी पराठे मीठा। भाई मैंने सीरियसली तो मेरी मम्मी को बोला है वो चार कॉर्नफ्लेक्स का प्लीज जमा के रखना, मैं नहीं खा सकती वो सब जो शादी का खाना तुम बनाने वाले हो। चार से पांच छोले पूरियां और ये तेल तेल का नहीं खाना चाहिए, पिंपल्स आ जाएंगे। खा मखा दो दिन पहले, चार से पांच दिन पहले, पांच दिन सात दिन वही खाना खाया था। मेरा गाल ऐसे इतने मोटे मोटे निकल आए थे, ऑफिस के फ्रेंड्स आए थे बोल रहे तो अच्छा वेट गेन किया है, इट वाज लुकिंग नाइस। तो आपकी मतलब शादी की फोटो भी देखो ना तो हाँ कितनी ज्यादा यू सी ना कैसे गाल निकला ना मेरे मस्त मेरे तो मेरे साथ भी यही होने वाला है, पंजाबी फैमिली में भी यही प्रॉब्लम। मेरे डैड को अभी भी गुस्सा आता है, मैं लहंगा खरीदने से पहले पर्सनल ट्रेनर लगा लिया था अपने आपको फिट कर लिया और जाते लहंगा क्या शक्ल बना रखी है ये क्या है दुबली लड़की से कौन शादी करती मैं तो सब खा सा। और अब मेरे को ब्लाउज जैसे लटक रहे हैं उस टाइम पे सुबह सुबह मजाक कर रहे हैं क्या जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी से बोल रहे हैं रिज्यूमे तो डाला था मैंने हां ये तो और डिफरेंट लग रही है सही में है ना। अगर बताना कि दीदी ने जूड़ा बनाया तो मेन लॉजिक का पार्लर था वो हेयर स्टाइल करते हैं, ये वाली दीदी मेकअप करती है। तो इन्होंने मेकअप किया, मैंने 15 मिनट में जूड़ा बनाया, बाल लंबे भी थे, जूड़ा भी बड़ा अच्छा सा बना था। तो देखते जूड़ा कितना अच्छा बना, इसके बाल थोड़े लंबे हैं। शी नोज मी फ्रॉम द चाइल्डहुड, वी नो देम फ्रॉम लाइक 20-25 ईयर्स। तो मेरा तो प्लान था यहीं से मेकअप कराना, मैंने कुछ सर्च नहीं किया। लोग लैक्मे रेवलॉन इधर तो जाते हैं, कहीं नहीं गई, स्ट्रेट अप फ्रेंड है, बुक किया। कहाँ कोई स्पेसिफिक नाम था उसका? दिल्ली में ही कराया, दिल्ली में ही है वो, नजरगढ़ में है। ठीक है, और घर में ही मेक उसने खोल रखा है। प्रोडक्ट्स उसके सारे ग्लास के होते हैं, मैक ही यूज़ करती है, कोई लोकल प्रोडक्ट नहीं यूज़ करती, सब मैक के प्रोडक्ट्स होते हैं यार। सही है। उसकी सर्टिफिकेशन मतलब शी गोज एंड रिप्रेजेंट्स इन दीज फैशन शोज। नहीं ऐसे ही सही होते हैं, फ्रीलांसिंग करके खुद के लिए करते हैं सब बड़े बड़े ब्रांड। फैशन शोज होस्ट करती है वो, वहाँ पे तो उनको ये होता है ना टाइमर होता है। हाँ। आपको 15-15 मिनट में मॉडल्स फेंकनी है तैयार कर करके, टाइम बहुत कम होता है तो उनको वो टाइम बाउंड आदत है। नहीं तो यार मेकअप में लोग डेढ़ घंटा लगाते हैं। हाँ मैं भी गई थी तो बोलते मैडम 4 बजे ही आ जाना, मैंने बोला इतना नहीं लगाना है मुझे जो आप सोच रहे हो, 4 बजे आ जाना, मुझे 7 o'clock तक रेडी होना है, मैं आऊँगी 5। ये सब कमेंट्री में जा रहा है। मैं तो वैसे कह रहा हूँ। बट यार वो बड़ी अच्छी सी फीलिंग होती है। एग्जैक्टली मेरे को वैसे कोई मन नहीं है शादी करने में, सिर्फ वो लहंगा पहन के सज के बैठना है बस, इसलिए कर रही हूँ मैं। ऐसी ठीक हूँ, मेरे को तो ऐसी ठीक है, शादी इसलिए मिल जाती है खुद कम्प्लीट। सब बहुत अलग लगते हैं मुझे, ऐसा होता नहीं कि शादी में जाके किसी दूल्हे को देख के आए, बाद में देखा तो पहचान नहीं पाते थे ये वही थी। शादी से पहले ना मेरे को दीदी ने वैसे देखे ना ड्राइविंग स्कूल भेज दिया था सीखने के लिए कार, समझ आ गया होगा तेरे को क्यों भी नहीं। उसके बाद उसकी जितनी सहेलियाँ आई जितनी कजन बैंक सब मेरे सिर्फ पार्लर के चक्कर कटे, कुछ नहीं था। 4 फंक्शन थे, चारों फंक्शन में गाड़ी लेके दो तो मतलब 25 के बाद वो छुट्टी पे जा रहे होते हैं ना क्रिसमस से एक वीक के अंदर छुट्टी हो जाती है। अरे विकेट कीपर इतना मंदा रुक गई साली बॉल ही बहुत बढ़िया स्कोर क्या हुआ है इसमें 42 9.1 4 विकेट्स बेचारा
अभी तो उनका हाइट कट का बहुत ज्यादा है मेरा और इनका। यार वो लंबा है ना तो उसके साथ किसी का नॉर्मल कोई भी बंदी का ज्यादा ही ज्यादा ही होगा। आपकी हाइट भी ठीक है मतलब 5'6" है अच्छी है बल्कि पर ओमी की ज्यादा है ना इसलिए डिफरेंस बहुत ज्यादा दिखता है। 6'1" तूने हील्स पहनी हुई थी तो लाल। अरे भाई 3-3.5 इंच हील्स थी तब भी कानी तक पहुंच पाई थी। नहीं हमारी तो शादी का थीम ही हो गया था गोल्डन रेड। ओमी का भी वही था मेरा भी वही था मेरी मम्मी ने भी वही पहना था मेरी दोनों भाभियों ने भी वही पहना था मतलब ये एक्सीडेंटली कोइंसिडेंटली हो रहा था सबका गोल्डन रेड थीम ही हो गया था शादी में कलर ही वही। मुझे प्योर रेड नहीं लेना था मैंने भी नहीं मैंने जाते ही वो चिड़ गया था दुकानदार क्या है खोलने भी नहीं दे रही रेड मना कर रही है रेड बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया था रेड नहीं मुझे कुछ अलग सा दिखाओ दीदी। 11 बजे आपने फोन करा मैं खुद गया हूँ खाना वाना बना के खा के सुबह का टाइम है ना आने का तो 1500-2000 से शुरू है क्या बात है और कितनी भी रेंज। अरे उसका तो वर्किंग था हम भी तो आए हुए हैं सेकंड दो मेरी फैमिली में उल्टा ही होता है। अभी आ गया वाले सर हो गया हाँ गाड़ी वाले बाबा क्या किया इसने इतनी दाढ़ी बना दी है पागल। तो लड़कों को कुछ होता है यार शादी से पहले और शादी के बाद ये हाल हो जाता है इनका। मेरे वाले को भी दाढ़ी वाड़ी देखो ऐसे पढ़ा के होता है क्या था आजकल एक्चुअली बियर्ड लुक चल रहा है ना चल रहा है। बियर्ड लुक लोगों तो एकदम बड़ा नीट रखो बियर्ड लगना है। अबे नहीं वो अरे यार टाइम पे नहीं है सैटरडे को वैसे ना लेट आते हैं तो हमें तो लेट आने में कोई दिक्कत नहीं है वो अबे है ना उस बार बेचारे का संडे को भी ऑफ सैटरडे को भी ऑफ इस बार तो दो हफ्ते लगातार सैटरडे संडे भी होती है तो उसको चाहिए ना सुबह खाना खुद तो वैसे नहीं आई मीटिंग वाले का फोन आया मैंने कहा मैं तो ऑफिस आया हूँ देखो आप तो आए नहीं करके नहीं अंदर खिड़की खुली अंदर शराब की बोतलें शराबों की बोतलें पड़ी हुई हैं पूरी तो क्या पी के You want to come here? So far, you're missing all the discussions. शादी का discussion होगा। वो क्या तो क्या हुआ? Cherish कर रहे हैं कि हमारी शादी में ये हुआ था, हमारी शादी में वो हुआ था। Cherish कर रहे हैं। How long you guys have been married? That means it happened like a dream. You don't remember it. I've already explained that everything. अच्छा हाँ तुम्हारे just पहले ही हो गए मैरिड इन नवंबर। हाँ हाँ you guys got married in नवंबर नवंबर आप बात सही है we got in 28 हाँ कहाँ पे हो लापता है बच्चों पे लड़की अरे मैं बड़ी बड़ी भाभी विशी की गाड़ी में हुई उसकी गाड़ी की चाबी विशी को जाती है उनके पास तो गाड़ी में इतनी देर क्या करेगी फोन से बात करना उसके घर से फोन आता है तो वही घंटे गायब रहती है चुप रहा है वक्त है 7 महीना थोड़ा नहीं होता यार अरे भाई कॉल तो तुमने मैं आपको विश कर रही हूँ कितने विकेट्स गिर गए 4 ही गए टोटल रन कितने 50 समथिंग 51 पॉकेट चौका वगैरह मारा क्या क्या आज सुपे तेरा कोई प्लान नहीं है टैटू बनवाने का मेरा मेरे को तो एक एक नीडल चुभती है मैं रोने बैठ जाती हूँ कितना दर्द मैंने इतना रखा था मैं कैसे दर्द हो रही है कि हाँ रहने दे बैठ जाओ मैंने तो टैटू बनवाना यार से बनवा गोवा गई थी बनवाने थी यार मैंने तो जाके बनवाने का फायदा इसलिए नहीं है मैं तो लंबा टाइम रहना बनवाओगे उसकी केयर वहीं पे करनी पड़ जाएगी पहला हफ्ता जो ज्यादा करनी पड़ती है पानी वानी नहीं लगाना वो भी नहीं पाओगे धूप में नहीं जा पाओगे धूप होती है वहाँ पे बहुत रिस्ट्रिक्शन होती है पानी
अदरवाइज मैंने बहुत लोगों का देखा जिन लोगों ने गोवा में लगाया उसका उसकी टैटू की मांगन हो गई। एक बंदे ने दारू पी के बनवाया था उसके बाद भूल गया कि टैटू है, उसने पूरा खराब कर लिया। ऐसे नहीं नहीं मतलब खराब तो नहीं होता है, वैसे खराब नहीं हुआ बट इट गॉट स्पॉइल्ड। मेरे याद है मैंने कराया था और मेरे को उसी दिन हो गया जुकाम और खांसी, अब मेरा गर्दन को उल्टा बना हुआ था, मेरे को उल्टा सोना था। ओ भाई बड़ी हालत खराब हुई थी। मुझे भी ह्यूमिडिटी है ना गर्दन पे, हवा ही नहीं चल रही। वो कहाँ दिल्ली में तो बड़ा बुरा हाल हो जाता है शादी में, यू सी दिल्ली वेडिंग क्या हो अभी के रहता है इवन इफ इट इज 5 डिग्री सेल्सियस। मैंने 10 नवंबर की टिकट ली है 2 तारीख की शादी है, मैं आऊंगी भी वहां पर उधर से डॉक्टर को। छुट्टी 30 तारीख से क्योंकि 30 तारीख को रात को लेडीज संगीत है हम लोगों का, गर्ल्स वालों का मेहंदी है, एक को इनका फंक्शन है एंगेजमेंट और शगुन, 2 की शादी है तो सैटरडे संडे उसके पहले उसके फ्राइडे तक तो वर्क फ्रॉम होम करूँगी। ओके लेकिन हूँ तो नागपुर में मैं 10 से ही, दिवाली भी वहीं बर्थडे भी वहीं सब वहीं। और उसके बाद मैं 1 महीना गायब हूँ छुट्टी पे। तो बेसिकली जनवरी में यूज होए थर्ड जन डैम नहीं करें नहीं ये जो मैं दिसंबर का टाइम बोल रहा हूँ शायद हम काम भी कर लेते हैं, बोर हो जाएंगे नहीं इतना खाली बैठेंगे यार, एक महीना करेंगे क्या, छुट्टियां हैं दोनों सारा बुकिंग बुकिंग सब है ना। मैं ऑप्शंस दे दूंगी सिर्फ एंड एक्सप्लोर दी ऑप्शंस आर मिल गए मतलब सेम ऐसे ही आदि को कि ये ऑप्शन एक्सप्लोर कर दे नहीं तो वहां जाके टॉर्चर करेगी कि तूने ठीक से किया। शादी के बाद बहुत जरूरी हो जाता है, किसी को मना नहीं कर सकती नहीं है, बिलीव मी वहाँ पर वो भी प्रॉब्लम है, एक बार बात कर लेना क्योंकि मेरा कोई तो भी फ्रेंड गया था और वो भी मैं बता रहा था कौन सा होटल बुक किए थे ना, बुक कंडीशन ही है रखा बुक करते समय हाँ पता नहीं क्या मेरा ऐसा होता है उस एरिया का ही कुछ है, दिस इज द एंटायर। मेरे एक फ्रेंड का चालान करता था भाई पब्लिक में कर रहा होगा, रूम में भी अलाउड नहीं है वहाँ पर, पता नहीं वो रात को जाके पता नहीं कहाँ करके आता था, वो भी बड़ा लॉजिक है। तभी मम्मी ने कहा था हम नहीं जा रहे उस तरह, दैट साइड इज ओनली नॉट एप्लीकेबल टू अस। कहाँ गए थे आप लोग? हम लोग तो मॉरिशस गए थे।
I don't think. अंदर भी कुछ ही नहीं है. ये सब मिला है मेरे साथ. Cold. Cold drinks are not my cup of tea. Me too. I don't. No cold drinks. No packed juices. Here. I mean, I don't like. No, she's like chai मिलेगी मैंने नहीं वो पीछे जो. 100%. मैं पहले ना बताती हूँ एक चीज़. एक वी डू गोल्ड फेशियल राइट बिफोर दैट. सॉरी, वी डू गोल्ड फेशियल ना बिफोर दैट. ओके. यूजुअली हम करते हैं ना जो प्री ब्राइडल होता है. आई मीन आई डोंट नो व्हिच फेशियल इज दैट बट हां फेशियल तो गोल्ड फेशियल होता है. कोई भी ब्रांड का यूज होता है. ओके. जो स्पाले वाले के पास आजकल चलिए स्किन डॉक्टर्स के पास मास ट्रीटमेंट. इट्स इक्विवेलेंट टू दैट एंड इट्स मच बेटर. ओके. देखना तेरे होम टाउन में मिलेगी क्या. समथिंग 600-800 का 30 मिनट्स का सेशन है. वो गोल्ड फेशियल से भी इनएक्सपेंसिव है एंड दैट इज़ वेरी सूटेबल टू स्किन. मेरी फ्रेंड ने करवाया था. वो मेरे भी होम टाउन में नहीं है. ढूंढ का पता किया बिकॉज़ आई थॉट आई विल गो फॉर फ्री बट फ्राइडे पैकेज सॉर्ट ऑफ थिंग व्हिच विल डू एवरीथिंग. नहीं वो तो ठीक है. उसमें वो वाली चीज होती है ना वो तो इससे रिप्लेस कर सकते हैं. ओके. क्योंकि डॉक्टर्स करते हैं. नहीं ये डॉक्टर्स करते हैं. डॉक्टर्स करते हैं ये मास ट्रीटमेंट. डॉक्टर्स करते हैं. फिर मैं यहां से करा के दिया हूं. तो अपने होम टाउन में ढूंढ लेना. नहीं यहां से तो एक वीक ही पहले जा रही है. एक वीक पहले करा के चली जाऊंगी. हां उसका इफेक्ट भी 3-4 दिन बाद ही आएगा. अच्छा भाई वो बहुत अच्छा है. हमें पता नहीं होता ना कि क्या किस चीज में क्या पैलेट का यूज होता है. कभी कुछ पता नहीं. जल्दबाजी में हम भी ध्यान नहीं देता. बट कुछ तो नया निकला जो बहुत अच्छा है. चल रहा है. मेरी फ्रेंड ने भी बहुत अच्छा था यार. पर उसको मैं फिर भी कहूंगी कि आई एम हियर फॉर टू मच. आई विल गेट समथिंग देन मोर ऑक्सीबल दैट वेयर आई गो देयर. इट्स आई एम नॉट इन अ वेरी पैथेटिक. ये प्री ब्राइडल पैकेज स्टार्ट्स विद 25,000 कहां लाख में ना. बकवास है यार सब. मतलब मुझे नहीं चाहिए आपकी बैकिंग बहुत बॉयस वॉल बैकिंग और फालतू की चीजें. फिर मैंने बोला कि मेनली फेशियल वन डे बिफोर ऑल ऑफ दैट एवरीथिंग. फिर तो सही है. फिर तो सही है. वो तो सही है. मैंने तो पता ही नहीं किया जो तू बोल रही है अभी तक. नहीं मुझे ऑफिस में पंजी ने बोला था कि माफी यार मैं लैक में कम पटना में आई हैव हार्डली गॉन टू एनी पार्लर. सो मुझे लग रहा है कि गोइंग टू एनी अदर विल बी बिग रिस्क. वी डोंट बट बी वेरी श्योर बिकॉज़ लैक में एंड और तो मैं तो डर रहा हूं. वैसे भी कौन कर रहा है. क्या बोला अभी समझ नहीं आ रहा है. टेलर देखा वो बंदी पूछती है अपना लैपटॉप ओपन करके पासवर्ड बताओ. तो दोबारा मत पूछना. लियो लिए मैंने देखा ट्रेलर ना. Bishop is also not here.
कहाँ जा रहे हैं? श्वेत गोवा जा रहे हैं। सरप्राइज ही रखना, शौक मत दे देना। तुम लोगों का क्या क्या सरप्राइज है? सरप्राइज है कि सरप्राइज है? अच्छा, पता है सरप्राइज क्या होगी? घर में बैठे चार श्वेता भी आ रही है। उत्कर्ष भी आ रहा है। श्रुति होगी उस वीकेंड? तो प्लीज घर के मत बताओ। श्वेता आ रही है, मैं भी घर पे नहीं बैठ सकता। मतलब हैदराबाद में तो रह रही है। श्वेता आ रही है तो कहीं ना कहीं तो हैदराबाद में ना वो भी मेरे लिए बड़ी बात है। एक दिन जू चलेंगे। जू चल लो, तैयार है। ये सही बताया तुमने प्लान, एक्चुअली यही सफाई था। जू जा रहे हैं उस दिन सफारी। सफारी एक दिन जू चलते हैं, एक दिन अपने कॉलेज के पास में वाटर पार्क था वहाँ चलते हैं। कॉलेज के पास कौन सा वाटर पार्क? ओशन पार्क, उसमें कीड़े होते हैं पानी में। मैं नहीं जाऊंगी वहाँ पे। हमारे साथ भी रहती है, हम कीड़ों को कम करते हैं। पहले तो वहीं जाने के लिए बोलते थे कि वहाँ ले चलो वहाँ ले चलो, अब वंडरलैंड चली गई है तो आप बढ़ गए थे। अच्छा खेले स्टार्टिंग में बंदे को की साथ। आप नहीं हो ना, आप गए हो वहाँ पे? आई लव यू मैजिकल नहीं, बट मैंने सुना है बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है डैनी। आई लव यू मैजिकल बहुत क्या होता है वीकेंड वाइज करते हैं। सॉरी लव यू सर जी। मैं क्या करूंगी तो स्टार्ट कर लेंगे। तुम भी मैं साथ में, तुम भी साथ हो ना। मैं नहीं जा रही टाइम पर। मिरर्स में अच्छे लोग हैं बहुत, इसलिए मिरर्स की कॉस्ट भी अच्छी है यहाँ पे। मिरर्स ही तो मुझे नहीं पता मेन आइडेंटिटी। वो जो है ना एलन सोनी और ये सारे शोरूम्स है ना फैक्ट्री ऑफिस, उसके कोई सीनियर साइड में तीन है कैटेगरी। तो फर्स्ट वाला भी छोड़ दे और सबसे एक्सपेंसिव वाला भी छोड़ दे, मिडिल वाला ले। वो आई थिंक देखो डेलॉयट डिस्काउंट के बाद 800 मिडिल। हाउ विल आई टेक डेलॉयट डिस्काउंट? जस्ट टेक पीडीज आईडी कार्ड। उसको बोलना मेरे नाम से बना ले, उसको बोलना पीडी के नाम से बना ले, उसको लेके जाना। एंड हाउ मच विल द हेयरकट कॉस्ट? 800 तक विद टैक्सेस एंड ऑल विद हेयर वॉश है तो। बट अच्छा है, उनके पास लोग अच्छे हैं। मैं नॉर्मली ना हेयरकट बहुत कम स्पेंड है, डोंट स्पेंड लॉट। तुम साल में कितनी बार कराते हो हेयरकट? दो बार। वो पुन्ना जब मन जावे कभी बता दो, वहां पे जाके करा दो। दो जावेद अभी का जो हेयर एक्सप्रेस हो बहुत ही गंदा है। मेरा तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा है, अच्छा मिल जाए तो अच्छा हो। स्ट्रेटनिंग भी करता है, सब कुछ करता है, कुछ चला जाता है। और वो कभी बोलता भी नहीं कि उसको 250 भी दे दूं तो चला जाएगा, 300 भी दे दूं तो चला जाएगा। मेरा भी ज्यादा लग गया, मतलब इससे पहले मैं आप घर पे बुला के कटा लेते। ऐश्वर्या ने बाल उठाए, क्लिप्स लगाए, आठ कट मारे, लोग तैयार, उसके लिए खुश हो रही हो, चेंज हो गया वजह से सब। और पूछा अच्छा हेयर कट मैंने कहीं पे भी नहीं, मैंने यार 800 रुपये भी दिए हैं, 1300 रुपये भी दिए हैं मैंने लाख में हेयर कट के, इतना डिसअपॉइंट हो गया आई थी। 1300 में हेयर कट, यहाँ हम 100 रुपये में कटिंग, शेव, हेड मसाज, शोल्डर मसाज सब ले आते हैं, उसका मूड तो फेक हो गया। नहीं तो लाख में आते हैं बकवास कर। अरे
डेलाइट ये कर दिया क्या ब्रो डेलाइट का क्रिकेट ये चल कौन है बॉलिंग पे आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम सुनील सुनील हां सुनील सुनील ब्रो सुनील भाई है भाई पेरी का कलेक्शन कब ठीक होगा फील्डिंग ना पेरी का फील्डिंग ना हाँ बॉल कलेक्ट करने में प्रॉब्लम है कितना होंगे पता नहीं स्कोर कितना हुआ 89 लास्ट ओवर नहीं उसके बाद का अच्छा 19 तो हो रहा है वो फू ना आ गया तो वन में से वो नहीं यार मान लो थोड़ा इनको भी तो फील लेने दो खेलने का और फाइनल्स की फील भी आएगी थोड़ी और क्या यार आज हम पल में ही कर लेते नहीं तो पहले का फेयर सेकंड थर्ड फोर्थ सबका ही अवेलेबिलिटी क्वेश्चन मार्क और जो भी जा रहा है फिर वो भी नहीं होगा फर्स्ट को भी नहीं होगा क्या करेंगे केक कट करेंगे केक कट करेंगे तो छोटा सा कुछ फेवर गिफ्ट भी देते हैं चार बॉल बचे हैं चार बचे हैं तीन बॉल बचे हैं फोर बॉल्स लेफ्ट यस सर फील्डर कौन है बिल्कुल सही आई एम विद यू पीडी जमील भाई फील्डर कौन है आउट ऑसम थैंक यू क्या बात कर रही है हाँ बाकी चीजों के लिए सुप्रीम ब्रो था अरे नेट में तो इतना मारा था इसको को मालूम ही था मैं हर बॉल जाएगा बोल मैं दोनों बॉल पहला बॉल डाला तो अपोजिट समझ गए विशिंग में था थोड़ा मैं तो यार आलू मारे नहीं मारता है बहुत मारता है बहुत ठंडा मारता है कौन ये तो बॉलिंग कर रहा है पूरा बोल लो मारता है दूसरे बैट्समैन के दोनों है बॉलिंग कर रहे हैं कितने रन बनाए उसने वो बाहु ने क्या दो चौके मारे ना बस हम लोग की वो जैसे आज हमारा मैच
अरे ये बात चौका आज फाइनल क्यों रहे तो साथ में डलर्ट लगा सकते हैं ना, हाँ नाम के साथ में डलर्ट लगा सकते हैं, हम तो लगा सकते हैं फिलहाल सा, लेकिन वहां से फिर बम्बू कर देंगे, अभी फाइनल डिक्लेयर हो जाएगा, अभी फाइनल डिक्लेयर हो जाएगा, अभी फाइनल डिक्लेयर हो जाएगा। वो भी टेकिंग इनटू कंसीडरेशन आई थिंक हॉलिडे वीकेंड में टू हॉलिडे वीकेंड में आज और कल ड्राइडे मिल जाएगा उधर गार्डनी है पीकॉक से भी मिल जाएगा सबसे बहुत अच्छे मेरे पीढ़ी बोलेगा वो तो मेरा अमृत है यहाँ पे मिल जाएगा बाहर वो दोपहर में जाने से पहले बंद हो जाएगा मतलब यहाँ मिले फर्क क्या पड़ता है शाबाश करे विशी दो है अभी लाइटर है ये मैच में लाइटर तुम वेल प्लेड इजी पेरे
इजी टू नहीं इजी तो ये अभिषी दूसरे पे छोड़ अभिषी यहाँ दो रन दे रहे तेरी जरूरत नहीं है तेरी अभिषी पहले ही देखा तुषार कैसे भागा धीरे निकला फिर 60 भागा मैं पहुंचू जाए जितनी स्टेप्स नहीं है उस पिच पे उतने तो भाग रहे कमान कमान वैसे पानी पिला दो खत्म हो गया ये भी जा रहा था यहाँ पे लेने के लिए ये निकली ये विषय तो छोड़ सुपर सब वाला रूल निकले था ऋषि के लोग बहुत अच्छे 26
लास्ट बॉल फोर्थ ओवर बढ़िया शॉट यार। आज बड़े दिनों के बाद में सलीम पॉइंट पे से छक्के मारा आज। हाँ पॉइंट पे से दो छक्के मारा आज सलीम। पॉइंट पे से मारा बहुत दिनों के बाद। कौन से ग्राउंड था? बीएमआर पे था। मस्त मस्त पिक्चर कुछ 60 मारा शायद। हाँ। उसमें से 6 छक्के 4 चौके 8 रन भागा शायद फिर भी कुछ पंजाबी पुत्र का पनीर खाना।
इम्पोर्टेंट चीज है जैसी है इतना सारा ग्रेवी छोड़ दिया मुझे आखिर पीसे तो चार पांच भी खाने में देखते लालच को कर रहा है मतलब नहीं खाए जा रहे छोड़ दो लालच चिकन पीसे से है तो वो भी नॉनवेज खाता है क्या आपकी मतलब रोज सिर्फ नॉनवेज खाता है प्योर नॉनवेज नहीं है प्योर वेजिटेरियन वेजिटेरियन एक वो भी कॉमन वेजिटेरियन और समटाइम्स शी ओनली प्रेफर स्वीट्स कभी कभी इमरती खानी रहती तो वही खानी रहती है बस इतना मतलब जा रहे हैं अच्छा सुनसान हाईवे ऐसे कुछ गाड़ी नहीं निकली ढंग की और एक बोले स्वीट खा ली मुझे खिला नहीं सकते इतना करोगे ऐसा करोगे कहीं से एक छोटी सी शॉप खुली मिल गई वहाँ पर रुके कुछ कुछ मिला तब जाके शायद भी आप ठीक है मजा आया था लेकिन अरे पॉन्डी कैसा था पॉन्डी ड्राइव है शाबाश बड़े
ही प्लेस फॉर अदर टीम जो ओमी लोग हैं अदर दूसरा टीम उस टीम में हाइस्ट लेवल वो टीम में ही इज पार्ट अभी खेलते रहो गब्बर एग्जैक्टली वो सिटिंग विद साहू जो आपको लगा ना उसके सामने तो जाता ही उसका देखो कौन आया गुड रन गुड रन अरे गब्बर देव कैसे भाग रहा Thank you.
तो एक काम करिए आप, आपका नाम नंबर ईमेल एड्रेस आपने खाना कब कर लिया कि भाव दृष्टि कम है शॉट चिकन खाते हैं लेकिन क्या चिकन आप क्या आप पास में ही रहते आप पता नहीं होगा आप आपकी गर्ल्स को आप करने के लिए मजा जाकर सिरा से नहीं तो रेट होते अरे नहीं दो भागो दो भागो ट्रेडमिल पे भाग रहा है अबे रन बोला बे जॉग नहीं बोला बे सुना क्या हो बच्चा होने के बाद बैठ मार जब जाना था वही रेडी बोला खेलो पेरी भाई आखिरी तक खेलो लेके आना अभी भी कई लोग 35-33 चलो चलो पेरी मारते रहो भाई उम्मी भाई जगतपुरी के पास मतलब नासिक से बॉम्बे की रोड पे पहले ही दिल तोड़ देते क्या प्रॉब्लम है अरे
कौन सा ले आपका? कमाल सुनील भाई उसके बाद हफ्ता भर चलते रहते माचिस की बहुत मुश्किल हो रहा है जब आप नाइट तक चल रहा होते पास काम है पांडा था उसको गया था मैं मट्टी ले लेके उधर क्या हुआ काट के वो लेवल देखा सपना और बच्चा उस कैमरा के बीच में आ गए थे अभी थोड़ा सा कैमरा के सामने बहुत क्यूट है घर पे
एयर के थ्रू खत्म हो गया शॉट क्या चार है या नहीं वो चार गया है कैप चाहिए एक में आप लोगों को इधर मास्टर क्या पसंद फिर से तो लेके चले जा तब जल्दी पहुंच नेक्स्ट बैट्समैन ने Short, a nice one.
21 balls. भाई जरा बैठ जाओ ना नीचे। हेलो
देख लिया है। तुम्हारा मार्केट पोस्टले खेल रहे हैं। हेलो हाँ अक्षय सुनो मैं एक्चुअली ये बोला वो ये फाइनल्स है आज थोड़े उसके लिए कॉल कर रहा था मैं वो जीएनसी को रिप्रेजेंट करने आ जाना था तुम प्रेजेंटेशन करने चौधरी भी नहीं बताऊँ ना ठीक है और रेड का फाइनल मैं एक्चुअली भूल गया था बस उसके बारे में मैं आया हूँ ज़्यादा है वेल सी देयर इज अ प्लैटिनम कप है बट देयर इज अ डायमंड कप फाइनल फ्रॉम 2 o'clock maybe if you can come for that also it's fine 5:30 acha 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 hyderabad ka airport se okay theek hai two runs 13 balls 213 everybody and welcome to the presentation of HCCL Red 5 Platinum Cup Finals. Congratulations guys, lots of tough teams, fought some hard battles including some super overs. But congratulations and hard luck today Tata Advanced Systems. You guys played well all throughout the tournament. And congratulations to R&I.
All right, let's start off with the first order of business. We'll start off with the Man of the Match award. I know this guy is leaving the company pretty soon, so very good way to finish off the tournament, a final in a 50 in the final, and winning the Man of the Match award, Santosh Perry. Very congratulations. I know you are heading out soon. How long have you been with the team and with Deloitte? It's been 6 years, 2 months. That's good, that's good. So, it's been a long time. I know you've been playing with us for the longest time. And we appreciate that. Lots of good matches. I think your team probably has played the most number of super overs in the tournament also. So, you guys always have some exciting matches. So, what are you going to do when you leave the team? I'm sure you won't be able to find such a good team anywhere else. I'll cheer them from US. I'm sure they'll be looking forward to you visiting every so often and joining them. Any message that you want to give out to your team? So, I mean, this is the first time we have... second time we have reached finals and first time we have won the cup. So first one is Inter-FSS. So, I've seen this team growing. All credit goes to Vishy and then Omi. Vishy is the one who has taken the team along, and Omi, we know how dangerous he can be. So, this is the most deadliest team we can have ever. Congratulations again. Congratulations. Well played. Well played today. All right. For the let's start off with the individual awards for the tournament. With 11 sixes, Omkar. Congratulations, Omi. I think we'll talk to you right at the end after we've given all the awards. There was a close race in the best bowler award department. I think with 20 wickets, Tushar Singh. Congratulations. So 20 wickets in a tournament in 8 matches. It's a very good average. What is the secret? Credit goes to the captain who gave him opportunity. Well, I would like to thank my team. They have helped me develop. PD, Vishy, Omi. I remember Omi messaging me before the tournament itself that I want the best bowler trophy in your hands. Wow. So here it is. Thank you. Congratulations. Congratulations. Alright, so as you guys know, all the individual awards are given only in the Platinum Cup, just because the teams that have made it in this cup are playing against the highest level of opposition. But some honourable mentions: Sandeep from Microsoft and Mahesh from Alliance for 300 runs and I think some 280 runs. So that's a big achievement. But like I mentioned, we ensure that the individual awards are going in the Platinum Cup. So, with 200 plus runs and also 142 MVP points, Omi wins the last two awards. Best batsman and MVP award. Best batsman and MVP. So, Omi, there must be a pretty big trophy cabinet at home, huh? That's full, bhaiya. So, I actually supply them to you. we are not currently buying them back. Okay. But congratulations, Omi. Terrific performance again. I think you won the MVP award in HCL 13. And now in Red 5 against some very good teams. I think your team really did a very good job getting in the Platinum Cup. I think remaining undefeated all throughout the tournament, or did you guys lose a match? We just had 2 super overs. 2 super overs in 1 tournament. Wonderful. So, what has been the secret, man? Recently, the form is really good. Winning the big cups. No, I think players have been the same. Players have been performing all throughout. But as everyone says, winning is a habit, and I'm happy that everyone is getting into it now. Come on, I'm also there. some credit. And for my individual, I think the credit goes to the lucky charm. Absolutely. Congratulations. Congratulations again.
can I please have the captain of Tata Advanced Systems to come up, please? So hard luck today. I think you guys had a lot of ups and downs in the tournament. I think a couple of matches with TCS, losing one time and then winning a really good match against them. So how has the journey been so far? It's been a very tough journey for us. It's taken almost 4 years to reach one final. It's very tough. But all credit goes to my boys. They have put their hard, very hard effort. Daily practice they have been very promising, very hard working guys. Well, congratulations. I think it shows on the field. You guys have put up some really good performances. Lost to a very good team in the final, but you know, hats off to you guys. You should be proud of the whole team for making it so far and you know, putting it all in the final also. So congratulations again. Any other message that you want to give to your team before we move to the cups? No, we have reached first time semi-finals and we'll continue the same. Absolutely. All the best. All the best, guys. So, we have medals for all the individuals. Do you want to just call your team one by one and hand it over first? And then we'll move to the cup after that. Yeah, you can call one by one. Can we have a round of applause while this is going on, please? Congratulations, guys. Please come over here. And can we have the captain, please? By the way, the runners up trophy. Yeah, you can give it to him. Congratulations. Well played, guys. Yeah, photo below. Team guys. Congratulations, well played, guys, well played. Alright, so Perry, we've already spoken to you about your team's performance, but anything else you'd like to add? Nothing, all the best, guys. Congratulations again. Can we have you do the same thing, invite your team and... Congratulations. Let's have the winner's trophy now.